बीजेपी ने जब से 400 पार का नारा दिया है, जब से बीजेपी से साकार करने में लगी हुई है और सबसे ज्यादा मेहनत वहां कर रही है जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी ममता के किले को भेद पाएगी, क्योंकि 2019 में बीजेपी ने बंगाल में ऐसा प्रदर्शन किया था जिसने सभी को चौंका दिया था। लेकिन क्या इस बार भी ऐसा ही होगा, या फिर ममता के किले को भेदना बीजेपी के लिए इस बार बेहद मुश्किल रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। इस बार पश्चिम बंगाल में किसी भी लोकसभा सीट पर उम्मीदवार चाहे जो भी हो, ये चुनाव मोदी बनाम ममता बनर्जी कहा जा रहा है, क्योंकि साल 2011 में 34 साल राज करने वाली वामपंथी सरकार के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली ममता बनर्जी 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 में से 34 सीटें और फिर 2016 का विधानसभा चुनाव जीतकर राज्य में अपना सिक्का जमा चुकी थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था, जिसको देखते हुए 2024 में यानी इस वक्त ये सवाल उठ रहा है कि चुनाव में एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य रखने वाली बीजेपी क्या पश्चिम बंगाल में इस बार भी 2019 जैसी जीत हासिल कर पाएगी, खासकर ऐसे में जब वहां संदेश खाली, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे हैं। फिलहाल इंडिया गठबंधन से अलग होकर सभी 42 सीटों से चुनाव लड़ने वाली टीएमसी के लिए आलोचकों को ये दिखाने की भी चुनौती है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अकेले रोक सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो देश के विपक्षी नेताओं में ममता बनर्जी का कद और बढ़ेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो पार्टी से और नेताओं के टूटने और अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर सवाल उठने के डर की भी बात कही जा रही है, और वो भी ऐसे वक्त में जब सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हों और अनुव्रत मंडल और पार्थ चटर्जी जैसे नेता जेल में बंद हों। खैर, इन लोकसभा चुनावों में आखिर क्या होगा ये बताना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी ने बंगाल में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की लगातार होती सभाएं, वरिष्ठ टीएमसी नेताओं का बीजेपी में आना, बीजेपी का प्रचार प्रसार तो यही बता रहा है, क्योंकि उत्तर भारत में अपने राजनीतिक चरम में पहुंच चुकी बीजेपी को पता है कि उसके लिए पश्चिम बंगाल कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए जरूरी है कि वो यहां अच्छा प्रदर्शन करे। लेकिन बीजेपी के लिए चुनौतियां भी कम नहीं हैं, इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2019 वाली तस्वीर बीजेपी पश्चिम बंगाल में एक बार फिर दिखा पाएगी। वैसे तो टीएमसी नेता अर्जुन सिंह और दिव्येंदु अधिकारी थे जिन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में पार्टी बदलने वाले नेताओं की लंबी फेहरिस्त है, और यही नेता कह रहे हैं कि बीजेपी के 400 पार के नारे को सही साबित करने के लिए हम काम कर रहे हैं। माना जाता है कि 2019 लोकसभा नतीजों की एक वजह टीएमसी विरोधी वोट का बीजेपी के पक्ष में जाना भी था, क्योंकि 2019 में बहुत सारा वामपंथी वोट बीजेपी की ओर चला गया था। उसकी एक बड़ी वजह थी 2018 के पंचायत चुनाव में टीएमसी पर घपले के आरोप, जिससे लोग बेहद नाराज हो गए थे। बीजेपी के पक्ष में वोट करने की एक वजह यह मानी गई कि बंगाल के राजनीतिक चक्रव्यूह में कार्यकर्ताओं में सुरक्षा की दरकार, यानी कार्यकर्ताओं में सुरक्षा की दरकार थी, कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं रह पा रहे थे, क्योंकि वामपंथी दलों और कांग्रेस का गठजोड़ ना होने के कारण लोगों के पास विकल्प सीमित थे और उन्हें बीजेपी में बेहतर विकल्प नजर आया। यही वजह रही कि 2019 में वामपंथी वोट बीजेपी की ओर चला गया। फिलहाल ये इस बार होगा या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पास चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। क्योंकि अगर बंगाल में बीजेपी की चुनौतियों के बारे में बात करें तो ये बात बार बार सुनने के लिए मिलता है कि बंगाल में दीदी को टक्कर देने के लिए बीजेपी के पास मजबूत संगठन और कोई बड़ा चेहरा नहीं है। लोग बताते हैं कि टीएमसी के मजबूत जमीनी संगठन के सामने बीजेपी का उभरना आसान नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का चेहरा है। ममता बनर्जी के नजदीक माने जाने वाले शुभेंदु साल 2020 में कई टीएमसी नेताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। अब उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी, अर्जुन सिंह और तपस रॉय भी बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन फिर भी पार्टी पूरे बंगाल को कोई ऐसा चेहरा नहीं दे पाई जिस पर लोग भरोसा कर पाए। फिलहाल बीजेपी वोटरों को स्थिर सरकार देने का भरोसा दिला रही है और संदेश खाली ने बीजेपी को राज्य सरकार पर हमला करने का एक बड़ा मुद्दा भी दे दिया है।
बीजेपी ने महिला सम्मान और धूमिल हुई टीएमसी की छवि को बड़ा मुद्दा बनाया है। बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र में पढ़ने वाले संदेश खाली की महिलाओं ने टीएमसी के स्थानीय नेताओं पर यौन उत्पीड़न और खेती की जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया। कोलकाता से 3.5 घंटे की ड्राइव और फिर एक छोटी सी नाव से नदी पार कर संदेश खाली द्वीप पहुंचा जाता है। रास्ते में सड़क के दोनों तरफ लहलाती फसलें हैं, जगह जगह आपको वो फसलें नजर आ जाएंगी। काफी सारी जमीनें हैं जहां मछली पालन होता है। संदेश खाली की सड़कों के किनारे दुकानों पर, घरों पर बीजेपी लेफ्ट और टीएमसी के झंडों के अलावा पुलिसकर्मी भी दिखेंगे, लेकिन बेहद गरीबी में रह रही यहाँ की महिलाएं और पुरुष डरे हुए हैं। लेकिन वहां की महिलाओं ने कहा कि वो टीएमसी को ही वोट देंगी। हालांकि उनके चेहरे के भाव से लगा कि वो ये बात बहुत उत्साह से नहीं कह रही हैं। फिर सवाल उठा कि क्या कोई दबाव है उनके ऊपर या फिर ये महिलाएं बातें छिपा रही थी, ये साफ नहीं था। फिलहाल इस मामले में ये कहा जा रहा है कि अब शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद संदेश खाली का मामला खत्म हो गया है और इसका चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि गिरफ्तारी में देरी हुई यानी संदेश खाली के राजनीतिक असर पर मत बटा हुआ है। फिलहाल एक और मुद्दा इस वक्त बंगाल की राजनीति पर हावी है और वो है CAA, क्योंकि बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि CAA कानून लाने की टाइमिंग राजनीति से प्रेरित है, लेकिन वो इसे जनता को किया गया वादा बता रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इसका लोकसभा चुनाव पर आखिर क्या असर होगा, क्योंकि रेफ्यूजी कैंप पे रहने का दर्द देख चुके कुछ लोगों के मुताबिक 99% लोगों के पास कागजात नहीं है जिसकी मदद से वो इस कानून के अंतर्गत नागरिकता के लिए दरख्वास्त कर सकेंगे। हाँ, इस कानून का विरोध कर रही टीएमसी और बीजेपी के बीच ठनी हुई है। यहाँ कई स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें इस कानून के बारे में या फिर कागजात को लेकर कोई जानकारी नहीं है। एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि नागरिकता पाने के लिए किसी भी कागजात का प्रावधान खत्म होना चाहिए। एक अन्य ने कहा कि बीजेपी को कानून का फायदा मिल सकता है। खैर, ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल जानकारों के मुताबिक ममता बनर्जी सरकार बीजेपी की चुनौती से निपटने के लिए जनता की मदद के लिए चलाई जा रही सरकारी स्कीमों पर जोर दे रही हैं और बता रही हैं कि हम कैसे काम कर रहे हैं। राज्य की लक्ष्मी भंडार स्कीम और स्वास्थ्य साथी जैसी स्कीमें हैं। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मदद करने वाली लक्ष्मी भंडार स्कीम में सरकार ने वृद्धि कर दी है। लक्ष्मी भंडार स्कीम के तहत अब SC/ST कैटेगरी की महिलाओं को हर महीने 1200 रुपए और जनरल कैटेगरी की महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। स्वास्थ्य साथी स्कीम का मकसद लोगों को इलाज के लिए बीमा से मदद पहुंचाना है। टीएमसी लगातार आरोप लगाती रही है कि केंद्र से जो उसे संसाधन मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे हैं, जिसे लगातार लोगों तक पहुंचाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही हैं, क्योंकि तृणमूल का मुद्दा है कि केंद्र सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। ममता का कहना है कि 1905 से लेकर हमारे साथ बंगाल में अन्याय हुआ, बंगाल को तोड़ा गया, हमारे नेताओं को उठने नहीं दिया गया, राज्यों को केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा है, 1,60,000 करोड़ लटका हुआ है। साथ ही ममता ये भी कह रही है कि बाहर के नेता बंगाल को नहीं चला सकते। वहीं कांग्रेस, वामदल और टीएमसी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि उनका मकसद बीजेपी को हराना है और वो लोकसभा चुनाव के बाद तालमेल की बात कर सकते हैं। उसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं ये तो 4 जून को ही पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। फिलहाल पश्चिम बंगाल में आर पार की लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच ही है और बीजेपी 2019 से अच्छा प्रदर्शन करने की बात पश्चिम बंगाल में कह रही है, लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये तो लोकतंत्र में जनता ही तय करती है और जनता 4 जून को क्या तय करेगी वो शेष भारत आपको सबसे पहले बताएगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।